जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हासन सेक्स स्कैंडल की जांच कर रही एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। एसआईटी की तरफ से ये एक्शन तब लिया गया है जब प्रज्वल रेवन्ना और उसके विधायक पिता एचडी रेवन्ना मंगलवार को जारी नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए। दरअसल कर्नाटक राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यौन उत्पीड़न की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्वल ने एसआईटी के आगे पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा था, जिससे इनकार कर दिया गया। इसके बाद ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद जैसे ही जेडीएस सांसद भारत में एंट्री या इमिग्रेशन पॉइंट्स पर रिपोर्ट करता है, वैसे ही उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। वहीं कई महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की जांच का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना ने खुद को पाक साफ बताया है। जेडीएस सांसद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रेवन्ना ने कहा कि सच्चाई जल्द ही सभी के सामने आएगी। 26 अप्रैल को हासन लोकसभा क्षेत्र में चुनाव खत्म होते ही जेडीएस नेता देश छोड़कर भाग निकला। रेवन्ना से जुड़े 3000 के करीब आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा है। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना के घर काम करने वाली एक महिला ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने जेडीएस सांसद पर आईपीसी के सेक्शन 354A यानी यौन शोषण, 354D यानी पीछा करना, 506 यानी धमकी देना और धारा 509 यानी महिला की गरिमा का अपमान करना के तहत केस दर्ज किए थे। इसके बाद रेवन्ना से जुड़े वीडियो भी वायरल होने लगे। बताया गया है कि रेवन्ना ने एक दो नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। जल्द ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं ने जेडीएस के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक में गठबंधन किया हुआ है। रेवन्ना से जुड़े वीडियो वायरल होने पर महिला आयोग ने सीएम सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखी और उनसे एसआईटी गठित करने की मांग रखी। वहीं आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी बीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी अब इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना क्या करता है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।